हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हंसराज कॉलेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस चैनल के ऊपर DU के हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज इस चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में हेल्प करेगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने पहले एक दो वीडियोस बना चुकी हूँ SRCC के ऊपर, उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने वहाँ पे दी हैं, क्या प्लेसमेंट्स लगती हैं, कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं वहाँ पे, कौन से कोर्सेज वहाँ पे हैं, सोसाइटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। एज़ वेल एज़ हिंदू कॉलेज की भी मैंने वीडियो जो है बना दी हुई है। नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ऑफ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, इन सबकी जो लिस्ट है ये भी इस चैनल के ऊपर डिस्प्लेड है वीडियो के फॉर्म के अंदर। सो इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज़ की। हंसराज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। SRCC की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ कॉमर्स के रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे BA इकोनॉमिक्स होता है, वहाँ पे BCOM ऑनर्स होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम कोर्सेज हैं जो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हंसराज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पास ये लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। BSc ऑनर्स बॉटनी में आपको मिलेगा, BSc प्रोग्राम बॉटनी मिलेगी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस, BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर्स, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स, देन आपका BCOM मिलता है यहाँ पे, BA इकोनॉमिक्स मिलता है, BA इंग्लिश, BA हिंदी, BA हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन फिलोसफी, BA प्रोग्राम फिलोसफी, BA फिजिकल एजुकेशन एंड BA संस्कृत। 18 कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज में ही अपनी स्पेशलाइजेशंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हंसराज कॉलेज टॉप कॉलेज के अंदर आने वाला है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं हंसराज के अंदर कौन सी सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ के नाम लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हंसराज के अंदर प्रेजेंट है, आप उसको वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ सोसाइटीज़ के बारे में तो आप उसको कमेंट भी कर दीजिएगा। मोर ओवर अगर आप इन सब सोसाइटीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको इन सोसाइटीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। सो आपके पास 180 डिग्री कंसल्टिंग हंसराज, दिस इज़ वन ऑफ द सोसाइटी, फोक डांस सोसाइटी है, द स्पिरिचुअल सोसाइटी, केस ओवर कॉफ़ी सोसाइटी, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेल, ग्रीन वॉरियर क्लब, हंसराज ड्रामेटिक सोसाइटी, हंसराज स्पोर्ट्स सोसाइटी, हरितिमा द इन्वायरमेंटल सोसाइटी, द मार्केटिंग सोसाइटी, द सिविल सर्विसेज सोसाइटी एंड द पोइट्री सोसाइटी। इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं हंसराज के अंदर, अगर आप उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं एलुमनाई की, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हंसराज के कितने अच्छे एलुमनाइज हैं, ठीक है, शाहरुख खान, रोहन मेहरा, खुशल टंडन, अभिनव कश्यप, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड एडमिरल DK जोशी, IAS दीपक रावत, IFS जूही राय, IFS रवीश कुमार, IPS दीप्ति गढ़। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एलुमनाई देखने को मिलेंगे, ये सब स्टार्स, ये सब IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स, डिफेंस के कई आपको चेहरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फील्ड्स में से लोग जो हैं वो हंसराज कॉलेज से निकले हैं, ओके। सो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे प्लेसमेंट्स मतलब अपने बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़, काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है। क्राउड बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात क्राउड बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। सो डेफ़िनेटली अगर आप उन कोर्सेज जो मैंने आपको पहले कोर्सेज बताए हैं उस कोर्सेज में अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो हंसराज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं आपको लास्ट में फिर से कह के जा रही हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि उनको भी इस बात इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलना
चल जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आप टॉप पे कॉलेज रख रहे हैं, क्या उस कॉलेज के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है या नहीं. अगर आप SRCC को टॉप में रख रहे हैं, तो क्या आप BA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, क्या आप BCom करना चाहते हैं. अगर आप BCom और BA इकोनॉमिक्स करना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो आपका टॉप कॉलेज नहीं बनने वाला. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रख के फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भरना है. इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसके ऊपर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर एक कोर्स की, हर एक कॉलेज की, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसी प्लेसमेंट है, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, सो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.